तो अनसीन पैसेज को अब आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसा ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं ना जो यूट्यूब पर आज तक आपको कोई नहीं बताया होगा। अनसीन पैसेज को आज की इस वीडियो में सॉल्व करके हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है ताकि आपका 15 नंबर पूरा पूरा मिले। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आज की इस वीडियो में जो भी चीजें आपको बताई जाए उसे गौर से सुनना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अनसीन पैसेज का 15 नंबर वाला नंबर पूरा 15 में 15 लेकर आओ। वेरी इंपॉर्टेंट आज की ये वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो से 15 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। जो भी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताई जाए उसे जरूर तैयार कर लेना। देखिए, तैयारी 24 फरवरी की आपकी हो रही है। इसमें आपको सबसे पहला टॉपिक जो अनसीन पैसेज 15 नंबर का आता है उसको आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि जो भी चीजें इसमें हम आपको बताएं वो आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, देखिए 100% गारंटी है कि 15 में से आपको 14 नंबर नहीं बल्कि पूरे 15 नंबर मिलेंगे और अनसीन पैसेज आप चुटकियों में सॉल्व करके आओगे। चलिए बिना समय के बातें हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज आपको पूछा किस तरह जाएगा, सबसे पहले आपको सेक्शन ए रीडिंग दिया जाएगा, उसके अंदर पहला क्वेश्चन रहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन That follow, यानी आपको नीचे एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को पढ़िए और उसमें जितने भी क्वेश्चन है उन सभी का आंसर आपको देना है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इतना तो सब कर ले जाते हैं, पढ़ ले जाते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट करते क्या है, जब वो क्वेश्चन को ढूंढते हैं तो उनको अर्थ निकालना ही नहीं आता। अब वो सोचते हैं अब इसका आंसर कहां से लिखे। दोस्तों, अगर आपको इसका अर्थ भी नहीं निकालना आता फिर भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेजियस एनिमल। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको ग्रेजियस एनिमल के क्वेश्चन को वर्ड को इसमें ढूंढना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, मैन इज ग्रेजियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। अब आपको करना क्या है, ठीक है, अब आपको देखिए जिस भी क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जिस भी क्वेश्चन में वाई आ जाए तो आपको करना क्या है, वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेजियस एनिमल, मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी क्यों कहा जाता है, वाई माने क्यों होता है। तो आपको जिस भी प्रश्न में वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेजियस एनिमल, वाई जिस भी प्रश्न में आए तो आपको करना क्या है, वाई इसको छोड़ देना, फिर यहां से लिखना है मैन कॉल्ड ए ग्रेजियस एनिमल। अब आपको लिखना है मैन कॉल्ड ग्रेजियस एनिमल बिकॉज इतना हो गया, इतना आप अगर लिखते हैं तो आपका नंबर आधा नंबर समझ लो मिल गया, बिकॉज हिज नेबर्स आर द पीपुल। अब आपको करना क्या, पैसेज देख रहे हैं ना, ठीक है, हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम एंड दे प्ले क्रूशियल रोल। अब आपको यहां से लिखना है, ठीक है, हिम लिख देना, फिर लिखना है एंड दे प्ले क्रूशियल रोल इन आवर लिप्स, और वह हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा रोल करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है एंड दे प्ले क्रूशियल रोल इन आवर लिप्स। आपको करना, देखिए मैंने अर्थ तो आपको बताया नहीं, आपको ट्रिक्स बताया, ठीक है, जैसे आपको ये देखना है ग्रेजियस एनिमल, अब आपने ग्रेजियस एनिमल देखा, ठीक है, तो आपका बी काज अब कहां से शुरू हुआ, बी काज तो यहां से शुरू हुआ, हिज नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। ठीक है, इतना आपको लिखना, अब बी काज लिखना है, उसके बाद दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिप्स। इतना हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझना, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिप्स, यानी कह रहा है कि हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी लोग हमारे जीवन में किस प्रकार क्रूशियल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, व्हाट यानी क्या है, ठीक है, तो देखिए आपको आपको लिखना क्या, क्रूशियल रोल आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिप्स। अब आपको लिखना है आवर नेबर्स आर द पीपुल, इसमें अब आपको खोजना है क्रूशियल रोल। ठीक है, देखिए यहां पर है क्रूशियल रोल इन आवर लिप्स, अब आपको इसमें लिखना क्या है आवर, ठीक है, आवर नेबर्स आर द प्ले आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम। अब आपको यहां से लिखना है आवर नेबर्स
आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड कंसिस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिप्स। इतना आपको यहाँ से लिख देना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल हम बता रहे हैं, ठीक है। आवर नेबर्स आर द पीपुल हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कंसिस्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिप्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाए वो आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इतना आपको लिखना है। अब दो क्वेश्चन यहां से आपको समझ में आ गया, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। अब इसको आपको खोजना है, नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, इक्वल मीन्स होता है बराबर। देखिए, लव दाई नेबर एज दाउ लव गॉड, यानी पड़ोसियों से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर है, ठीक है। देखिए, बाय लविंग आवर नेबर्स, अब आपको लिखना क्या है, लविंग आवर नेबर्स वी शुड ओनली पीस। अब आपको यहां से लिखना है, ठीक है, By loving our neighbors, we should only peace and happiness, but would also come closer to God. ठीक है, यानी मनुष्य को, यानी अपने पड़ोसी से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर है, कैसे है ये आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, loving our neighbors, we should not only have peace and happiness, but would also come closer to God. Come closer to God, यानी यह ईश्वर के करीब करता है। अब आपको लिखना किस प्रकार से है, loving our neighbors, we should Not only have peace and happiness, but would also come closer to God. So, loving our neighbors equal to loving God. यानी हम अपने पड़ोसी से जो प्रेम करते हैं उस वह ईश्वर से प्रेम करने के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों हर प्राणी में ईश्वर मौजूद है, तो हम अपने पड़ोसी से जब प्रेम करेंगे तो भगवान से भी प्रेम करेंगे, तो इसलिए, ठीक है, और जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो हम ईश्वर के और भी करीब होंगे, ठीक है। इतना आपका हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कहा जा रहा है, व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। व्हाई इज टू गुड हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। अब देखिए वाई आ गया, ठीक है, अब आपको लिखना कैसे, दो प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, इसमें आपको बता रहे हैं। देखिए आपके नेबर्स, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि अगर आप अपने फ्रेंड अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में पड़ोसियों में अच्छा व्यवहार रखना क्यों जरूरी है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों और नेबर्स यानी पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखना क्यों जरूरी है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, अब इसमें लिखना क्या है, देखिए व्हेन डिफिकल्ट टाइम, देखिए इसका आंसर आपको खोजना कैसे है, ठीक है, इसमें क्या खोजना है, फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स गुड है। अब देखिए इसमें आपको खोजना कहाँ है, फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, अब आपको खोजना है रिलेशनशिप इमेशंस हैप्पीनेस ऑल हेल्प टू आवर्स। अब देखिए फ्रेंडली रिलेशंस रिलेल बी आवर नीड टू देम मोस्ट। अब आपको लिखना क्या यहां से है, ठीक है, बात को ध्यान से समझना, रिलेशंस विद आवर नेबर्स। अब देखिए आखिरी में क्या जा रहा है, रिलेशंस विद आवर नेबर्स, तो आपको यहां से इसके पहले वाली लाइन से शुरू करना है लिखना, ठीक है। देखिए व्हेन का क्या जा रहा है, इट इज इन दिस ट्राइंग टाइम्स दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेबर्स कम्स एज ए बून टू अस। यानी जब हमारे दुख का समय आता है तो हमारे पड़ोसी और आसपास रिश्तेदार लोग हमारे लिए वरदान के रूप में खड़े होते हैं। अब इसको लिखना किस तरह से, देख लीजिए, व्हेन डिफिकल्ट टाइम, यानी जब कठिन समय आता है, दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेबर्स कम्स एज ए बून टू अस। यानी जब हमारे ऊपर दुख का समय आता है तो हमारे रिश्तेदार और आसपास पड़ोस के लोग हमारे लिए वरदान के रूप में खड़े होते हैं। इट इज देयर फॉर आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दैट वी हैव गुड एंड
फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स। सो इसीलिए हमें अपने पास पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इतना आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, यानी इस पैसेज में क्लोजनेस का मतलब कौन सा, यानी किस इस पैसेज में क्लोजनेस यानी निकटता का मतलब क्या है। तो क्लोजनेस का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों, क्लोजर। अब देखिए क्लोजर आपको जोड़ना है, इसमें कहा जा रहा है कि इस पैसेज में निकटता किस शब्द से की गई है। निकटता यहां पर दोस्तों देख लीजिए, यहां पर कहा क्या जा रहा है, एक मिनट, ठीक है, कम क्लोजर टू गॉड यानी ईश्वर के करीब करती है, तो निकट करती है, तो इसलिए क्लोजनेस का हो जाएगा क्लोजर। अब देखिए विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ ऑफ्टन, कहा जा रहा है इस पैसेज में ऑफ्टन का अपोजिट कौन सा वर्ड है। तो ऑफ्टन का अपोजिट होता है रेयरली, तो आपको रेयरली इसमें खोजना है। ठीक है, देख लीजिए रिलेटिव्स आर रेयरली अवेलेबल ट्राइंग टाइम्स, ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन का रेयरली, बात समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज, कहा जा रहा है कि इस पैसेज में कौन मुहावरा जो है एट हैंड यानी हाथ में, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आपको लिखना है फ्रेज एट हैंड मीन, हाथ में इस मुहावरे का मतलब है आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स आर अवेलेबल नियर आवर प्लेस ऑफ रेसिडेंस आवर आर अराउंड अस व्हेन वी नीड देम द मोस्ट। अब इस मुहावरे को करा कैसे जाता है, एट हैंड मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बहुत ही करीब होना, जैसे कि हमारे हाथ में ही हो। तो इसमें कहा जा रहा है फ्रेज एट हैंड मीन आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव्स आर अवेलेबल नियर आवर प्लेस, यानी जब हमें जरूरत होती है तो हमारे जो रिलेटिव्स और फ्रेंड होते हैं वह हमारे आसपास खड़े होते हैं। ऑफ रेसिडेंस आर अराउंड अस व्हेन वी नीड देम द मोस्ट, जब हमें आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं बहुत ही आसान दोस्तों। मैंने आपको इसका अर्थ इसलिए नहीं बताया क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इसका अर्थ करना नहीं आता, लेकिन वो भी सोचते हैं कि किस तरह से हम इसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ लेना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद अगर आप देखिए इसका उच्चारण करना है, इसका आंसर चाहे आप निकालना जानते हो या नहीं निकालना जानते हो फिर भी आप इसे लिख ले जाएंगे। अगर आपको ट्राल्ड ए ग्रेजियस एनिमल, अब ग्रेजियस एनिमल को इसमें ढूंढना है, उसके पहले के एक लाइन अगर आप लिख देते हो फिर भी आप बहुत ही खराब तरीके से अगर आप लिखेगो फिर भी आपका 10 नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।